everyone and welcome back. I know काफी अरसे से videos कुछ बनी नहीं है, थोड़ी सुस्ती सी आ गई थी, but now that we are back, हमने सोचा है कि एक बहुत ही useful video के साथ हम जो है ना come back करते हैं. So आज हम बात करेंगे MPI के बारे में कि Max Planck Society क्या है और इससे हमें क्या फायदा होगा. और आज हमारे साथ एक guest मौजूद है जो कि इसी MPI Society के स्कॉलर हैं, तो आज हम उनसे भी बात करेंगे. बट उससे पहले हम जानते हैं कि MPI इंस्टीट्यूट या फिर MPI सोसाइटी, Max Planck सोसाइटी आखिर है क्या चीज. सो MPI इज बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी जो कि डिफरेंट फील्ड्स में जो है ना ये काम कर रहा है. सो हमारी यूनिवर्सिटी में, हम लोग इस वक्त सार्लिन यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यहाँ पे इट वर्क्स बेसिकली फॉर इन्फॉर्मेटिक्स. एक आई कट चुका है बट इट्स फॉर इन्फॉर्मेटिक्स, तो यहाँ पे वो उस फील्ड में काम कर रहा है. सो ये बेसिकली पूरे जर्मनी में इट हैज अराउंड 80 इंस्टीट्यूट्स और उन 80 इंस्टीट्यूट्स में ये डिफरेंट फील्ड्स में काम हो रहा है. इन्फॉर्मेटिक्स हो सकता है फॉर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो इस तरह से दे हैव 80 डिफरेंट फील्ड्स. तो आप किसी भी फील्ड में जो है ना, अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर आपका बैकग्राउंड है, तो आप उसमें आ सकते हैं. अगली चीज जो कि मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ बताने में, कि हमारे पास पाकिस्तान से भी MPI स्कॉलर, MPI की स्कॉलरशिप लेके हमारे पास मास्टर्स करने हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं इन द पास्ट 2 to 3 सेमेस्टर्स. सो आज हम उनमें से ही किसी एक स्कॉलर से आज हम बात करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि इसमें आने के लिए उन्होंने क्या किया और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए. तो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उनका नाम है मोहम्मद यासीन आफ्ताब. उनका ताल्लुक कराची से है, NED से उन्होंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपना बैचलर्स किया हुआ है एंड देन ही वर्क फॉर 2.5 years एंड देन उसके बाद वो यहाँ पे आए हैं अपना मास्टर्स करने. तो आज हम उनसे बात करेंगे एंड जानते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक. थैंक यू सो मच यासीन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. सबसे पहले तो प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपने कहाँ से पढ़ा और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं. जी, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मेरा ताल्लुक कराची से. कराची में मैंने NED यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी एंड देन उसके बाद मैंने तकरीबन 2.5 साल वहाँ की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया एंड देन फॉर मास्टर्स आई केम हियर सॉल्डन. Okay, so which means यहाँ पे जो आपकी डिग्री है that is fully funded. Yes. MPI scholar. यहाँ पे एक Max Planck Institute for Computer Science होता है, उनकी हर साल जब भी एडमिशन्स होते हैं 7 से 8 स्कॉलरशिप्स होती हैं जो स्टूडेंट को वो सिलेक्ट करते हैं and it's funded for 1.5 years. Okay, and एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि for the past 3 to 4 years जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, अभी तक ये स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में से हमारी यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं मिली थी. सो ही इज वन ऑफ द फर्स्ट. सो इसीलिए हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि लाइक ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपने क्या डिफरेंट किया, लाइक आपकी प्रोफाइल में ऐसा क्या था. सो या एक्चुअली आई वाज आल्सो अ बिट क्यूरियस अबाउट इट, कि जब मैं यहाँ पे आया और बाकी स्टूडेंट्स से कंपेयर की, सो आई डिड नॉट सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बट एक चीज जो डिफरेंट थी मेरे प्रोफाइल में, वो थी कि आई हैड एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस विद DFKI जो जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो पहले भी मैं, आप कह सकते हैं जर्मनी में रिसर्च है, उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ था. मे बी दैट माइट हैव मेड अ डिफरेंस. ओके, सो आप हमें थोड़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का बताएंगे, लाइक अगर कोई मास्टर्स में आना चाहता है तो वो क्या करे, लाइक. सो इनका एप्लीकेशन प्रोसेस बेसिकली है, यू ओनली अप्लाई टू सार्लिन यूनिवर्सिटी. उसका जो नॉर्मल आपका एडमिशन प्रोसेस है उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं and then the university itself recommends you to the MPI and then usme us recommended list mein se the wo shortlist karte hain kisko wo offer karenge, which means aapko MPI mein separately apply nahi karna hai, aapne just university mein apply karna hai aur wo khud hi wahan se choose karenge students ko. kya abhi bhi hum avail kar sakte hain ye? okay, so masters mein from the last year इन्होंने master scholarship अब बंद कर दी है, इनका जो program है वो भी थोड़ा change हो गया है. So they are now only offering it for PhD students. Okay, so until last year, masters में fully funded scholarship मिल रही थी, but अभी फिलहाल इन्होंने stop किया है. Maybe in future दोबारा open हो, but फिलहाल masters के लिए ये available नहीं है.
पीएचडी की बात करते हैं, सो अगर कोई इस स्कॉलरशिप के थ्रू पीएचडी के लिए आना चाहता है तो उसको उसका क्या प्रोसेस है? तो पहली चीज तो ये कि इनके दो एप्लीकेशन डेडलाइंस होते हैं, एक June 30 में और एक December 30 या 31 में. Okay. दो साइकिल होते हैं जिसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं. mm-hmm. तो अप्लाई करने का उसका तरीका ये है, इनकी जो वेबसाइट है IMPRS Press, उस पर आप जाके, वहाँ पे आपको जाके एप्लीकेशन देनी होती है. एंड द मेन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, इसके एक तो आपके नॉर्मल एप्लीकेशन स्ट्रीम होती है कि यू क्रिएट एन अकाउंट, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. yeah. उसके अलावा एक और तरीका ये है कि इफ़ यू नो कि आपको किस प्रोफेसर के साथ काम करना है तो आप उनको भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड देन दे विल रिकमेंड यू कि आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू फिर फॉर्मल एप्लीकेशन दें. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी प्रोफेसर के बाद दो तीन स्टूडेंट्स को हायर करने की फंड्स हैं और yeah. किसी स्टूडेंट ने उन्हें पहले से अप्रोच कर लिया बिफोर दिस डेडलाइन, तो फिर वो आपकी एक तरह से वैकेंसी खत्म हो गई. So, आपने यूनिवर्सिटी भी डायरेक्ट अप्लाई करना है और मीन वाइल प्रोफेसर को भी अप्रोच करना है. That will make things a lot easier for you. Okay. But, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होने चाहिए? इसमें यू कैन एक्चुअली अप्लाई राइट आफ्टर बैचलर्स, पर उसमें आपकी बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए, बेसिकली आपका रिसर्च का एक माइंड बना हुआ. Mm-hmm. और मास्टर्स के बाद आप चाहें तो भी अप्लाई कर सकते हैं. सो बेसिकली यू विल नीड योर डिग्रीज, और इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, और इसके अलावा TOEFL एंड GRE, दीज आर ऑप्शन. बट आई वुड से कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा यू एटलीस्ट गिव IELTS और TOEFL जो भी इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है. ओके सो एक फिर से हम आपको लिस्ट बता देते हैं. द फर्स्ट थिंग यू नीड इज योर CV, देन आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देन आपकी मास्टर्स एंड आपके बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्रीज, एंड देन प्रोफेसर्स को अप्रोच करना उसकी अलग ही में, एंड देन कुछ रेफरेंसेस, राइट? एंड देन जैसे कि उन्होंने बताया कि डेडलाइन 30 June एंड 31 December. तो ये तो हो गया प्रोसेस, बट एक दफा जब हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम माई डिग्री, या फिर हम जो आते हैं या फिर आप लोग आते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? तो वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी हुई है कि जो भी आपके साथ स्कॉलरशिप बैच में, लेट्स से 5 स्टूडेंट्स जो आपके साथ आए, तो दे बिकम अ सॉर्ट ऑफ ग्रुप, एंड जो इनका पहले वाला ग्रुप होता है यू ऑल्सो नो देम. सो आपको आते ही यू डोंट कम इनटू सिटी एज अ स्ट्रेंजर, देयर आर ऑलरेडी लाइक 5 or 10 पीपल हु नो यू. ओके, तो ये एक एडवांटेज आप कह सकते हैं, सोशल एडवांटेज. उसके अलावा आपके जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उसमें भी इनका जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो काफ़ी हेल्प करता है. सो दे कैन हेल्प यू विद सर्चिंग फॉर अकोमोडेशन, या इसके अलावा आपको वीज़ा एक्सटेंशन का अपॉइंटमेंट भी चाहिए होता है, तो दे कैन अरेंज दैट फॉर यू. उसके अगर आप अपॉइंटमेंट मिस करना दे कैन इवन रीस्केड्यूल इट. तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इनकी वजह से बहुत स्मूथली हो जाते हैं. ओके, जस्ट वन थिंग, जो स्कॉलरशिप हमें मिलती है इसमें, सो इसमें आपका आपके सारे एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस से लेके, और आई गेस दे गिव यू सम पॉकेट मनी एज़ वेल. सो आई कैन टॉक अबाउट मास्टर्स स्कॉलरशिप जो मुझे मिली थी, दे पे यू अराउंड 800 यूरोस. आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर योर एक्सपेंसेस, एंड यू कैन आल्सो सेव समथिंग. ओके, एंड आई गेस विद दीस 800 यूरोस यू आर ओनली अलाउड कि आप सिर्फ मिनी जॉब कर सकते हो. आई डोंट थिंक यू कैन अर्न मोर देन 450 यूरोस अगर आपके पास ये स्कॉलरशिप है, राइट? आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट. Yeah, I've heard it from हमारे पास कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, they're from India. उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि अगर आपके पास ये स्कॉलरशिप है मास्टर्स में तो आप एक मिनी जॉब कर सकते हो, which is like 450 euros per month. तो वो आप उसके साथ कर सकते हो और थोड़ी और ज्यादा सेविंग्स हो जाएंगी. सो और उसके अलावा मुश्किल है स्टडीज, लाइक पाकिस्तान से कम्पेयर करें? पाकिस्तान definitely you will feel a difference, because इसको आप इस तरह सोच सकते हैं कि जो अपने जो भी डिफरेंट कंट्रीज के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, दे आर नाउ हियर एंड दे आर नाउ ऑल कंपीटिंग विद यू, सो डेफिनेटली इट विल बी अ बिट मोर डिफिकल्ट. ओके, और अगर कोई आना चाह रहा है या फिर कोई आ रहा है, तो इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा उसको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? लाइक मे बी माइंडसेट किस तरह का बनाना चाहिए कि कितनी मेहनत करनी है यहाँ पे आकर? So since this is a research focused scholarship, पहले तो आपको research का mind होना चाहिए, like you should know कि आपकी field में क्या काम हो रहा है और कौन लोग वो काम कर रहे हैं, where they are based. So ये आपका एक sort of mind में आपके map होना चाहिए. Okay.
से यू कैन क्विकली स्काउट फॉर आइडियाज और डिफरेंट जो रिसर्च डायरेक्शन है. उसके अलावा हार्डवर्क का जो आई वुड से के इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. लाइक कुछ लोग लाइक 2 घंटे में बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं. सम पीपल टेक अ होल डे. बट यू शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड के इट विल टेक यू सम टाइम टू एडजस्ट. ओके सो आपने पहले से ही माइंड बनाना है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी ऑब्वियसली राइट. कि अगर आपने यहाँ आना है तो यहाँ पे चीजें आसान नहीं होंगी. पाकिस्तान में आई गेस थोड़ी आसान होती है चीजें हमारे लिए. अगर हम थोड़ी मेहनत कर लें तो हमें ज्यादा फल मिलता है. बट यहाँ पे हमें उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होती है यूजुअली. तो उसके लिए आपने पहले से अपना जो है ना माइंड बनाना है. तो एक लास्ट चीज के आपके अलावा यहाँ पे एमबीआई स्कॉलर 2 और पाकिस्तानी से आप लोग साथ एक ही बैच में आए थे? नहीं. सो माइन वाज द फर्स्ट बैच आई थिंक जो आया था फ्रॉम पाकिस्तान. एंड देन उसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट सेमेस्टर था उसमें एक और स्टूडेंट आया. एंड देन इमीडिएट आफ्टर दैट वन मोर. ओके सो दिखने में लग रहा है कि शायद ईच सेमेस्टर ये एक एटलीस्ट फ्रॉम पाकिस्तान में ले रहे थे. सो अभी ये बंद हो चुका है. बट पीएचडी में भी आई हैव ऑलरेडी मेट 2 ऑफ देम जो कि पाकिस्तान से हैं. वो यहाँ पे ऑलरेडी हैं. सो व्हिच मींस के चांसेस आर ब्राइट. आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आई एम श्योर आपका एडमिशन हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच. और अगर कुछ मजीद क्वेश्चन हमारे पास आते हैं थ्रू कॉमेंट्स या फिर थ्रू मैसेजेस देन मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी. सो होपफुली आप मुझे आंसर करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ. So thank you so much for coming. So agli video mein milte hain kisi aur topic ke sath. Until then, Allah Hafiz.